जनता ने उसका 73 में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? नहीं, मुद्दा तो यही था, मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है, वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है, इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लोग आते हैं ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो हैं वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हुई? ये तो कांग्रेस वाले से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इसमें आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जो भारत देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन हमसे बात करी थी, तब बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं लाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते हैं। सर, करनाल में जब वोटिंग के दिन आपने बात करी थी तो आपने दो बातें कही थी, एक तो पूर्वानुमान आपने भी लगाया था कि 45 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती अपने दम पर सरकार बना रही है, कहा था। और दूसरी बात आपने कही थी नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या इस बात की आप हमारे हमारे हाईकमांड ने, हमारे HM साहब ने ये प्रत्यक्ष घोषणा की हुई है और उस नाते से फिर भी नया, जब इस प्रकार का कोई बात होती है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है और मुझे लगता है कि जो विषय है वो इसी प्रकार से चलेगा। खट्टर साहब, एक सवाल है, 10.5 साल लगभग आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, आज जब चुनाव हुए तो कुमारी शैलजा ने कहा है जब रिजल्ट आया कि उनसे आकलन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से गड़बड़ी हुई है, क्या शैलजा और हुडा साहब के बीच जो मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ ना कुछ तनातनी है, उसका असर भी पड़ा है? आप अपना अनुमान लगा करके उनसे पूछिए क्या बात थी क्या नहीं। मैंने जो कहना था अपने आप अपने हिसाब से मैं पहले कहा था और वही बात पर आज भी हूँ मैं कि हमारी पार्टी एकजुट होकर के और अपने पक्की नीतियों के हिसाब से काम करती है, जनता में उसका असर जाता है। काम आपके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए उस पर मोहर लगी जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस सारे के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियां हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर सबके ऊपर जनता ने मोहर लगाई। क्या सर धन्यवाद। मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पर हरियाणा में होंगे? धन्यवाद। तो मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और सरकार ने जिस तरीके से काम किए उस काम पर जनता ने मोहर लगाई है, मोदी जी की नीतियों पर जनता की मोहर। और यही नायब सिंह सैनी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया उसी को पर हमें ये बड़ी जीत मिली है और इसका श्रेय भी उन्होंने प्रधानमंत्री को ही दिया। और खट्टर को भी आपने सुन लिया, मनोहर लाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे काम पर मोहर लगाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।